लखनऊ में शिक्षा मित्रों का हुजूम उमड़ा, परिवार समेत पहुंचे। नियमितकरण को लेकर महासम्मेलन का बड़ा आयोजन। सैलरी बढ़े, नियमितकरण हो, 14 सूत्रीय मांगों पर अड़े। यूपी के शिक्षा व्यवस्था की नींव कहे जाने वाले शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर एक बार फिर यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। इस बार शिक्षा मित्र अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ पहुंचे, क्योंकि इस बार देश की डबल इंजन की सरकार से सीधे बात होनी थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ प्रदेश के तमाम मंत्रियों को उपस्थित रहना था, शिक्षा मित्रों की मांग सुनी जानी थी, साथ ही विचार करके जल्द फैसले का ऐलान होना था, जिसको लेकर शिक्षा मित्र बड़ी तैयारी के साथ पहुंचे थे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए शिक्षा मित्रों ने सरकार से गुहार लगाई। बता दें कि पिछले कई सालों से शिक्षा मित्र नियमितीकरण मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब उनका प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन सोमवार को लखनऊ में आयोजित हुआ, जहां हजारों की संख्या में रमाबाई अंबेडकर मैदान में शिक्षा मित्र इकट्ठा हुए। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से संजय निषाद शामिल हुए। दोनों ने शिक्षा मित्रों को संबोधित किया, साथ ही आने वाले वक्त में प्रदेश में योगी और मोदी के पंच प्रण का संकल्प भी दिलाया गया। प्रदेश के दूर दराज जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र बस, ट्रेन और निजी वाहन से रविवार को ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक नेताओं के मुताबिक महासम्मेलन में तकरीबन 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्र शामिल हुए। अधिवेशन में शिक्षा मित्रों के हुजूम को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्था की थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों को शिक्षा मित्रों की तरफ से एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने सरकार से नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग रखी। वहीं सरकार का दावा है कि रिटायरमेंट की अधिकतम आयु तय होने के बाद शिक्षा मित्र खुश हैं और उन्होंने आज कोई मांग नहीं रखी। हालांकि ज्ञापन की बात अलग है। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में इकट्ठा होगा, ये संकल्प लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पंचप्रण को पूरा करने के लिए एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।